दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि टेकमो अकाउंट अगर आप भी यूज करते हैं, टेकमो एप्लीकेशन अगर आप भी यूज करते हैं और आप टेकमो से इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो टेकमो से इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बेनिफिक्री कैसे ऐड किया जाता है टेकमो में, आज की इस वीडियो में फुल कम्प्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। दोस्तों, हमने यहाँ पर ऑलरेडी टेकमो एप्लीकेशन को ओपन किया है। सिंपली यहाँ पर हम अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और इसमें हम लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए, फाइनली सक्सेसफुली मैं इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो गया हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको एग्री के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप चाहते हैं तो यहाँ देखिए एड न्यू का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन फिर से यहाँ पर आ जाएगा। एग्री के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र डिस्टेंशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कौन सी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं वो यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिया भेजना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, बैंक अकाउंट, कैश पिकअप। आप बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं या कैश पिकअप भेजना चाहते हैं। मैं बैंक अकाउंट में भेजना चाहता हूँ तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा और नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जिनके बैंक अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका फुल नेम, उनका मोबाइल नंबर इंडिया का, और उसके बाद यहाँ नेशनलिटी के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यानी जिस भी कंट्री में आप भेज रहे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका, यानी जिनके बैंक में आप भेज रहे हैं उनका बैंक जहाँ पर है उनका, या उस बैंक का थोड़ा मोड़ा यहाँ पर एड्रेस आपको फिल कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे माई अकाउंट, फैमिली, फ्रेंड, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप किसके अकाउंट में भेजना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट में भेजना चाहते हैं इंडिया में तो वो सेलेक्ट कर लेंगे माई अकाउंट, फैमिली के अकाउंट में भेज रहे हैं तो फैमिली, फ्रेंड के अकाउंट में भेज रहे हैं तो फ्रेंड। तो मैं फ्रेंड के अकाउंट में भेज रहा हूँ, मैं यहाँ फ्रेंड का ऑप्शन चूज कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, जब फुल नेम और यहाँ पर मोबाइल नंबर, एड्रेस पूरा सही तरीके से कंप्लीट हो जाए तो यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर बैंक का फुल नेम, यहाँ IFSC कोड, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। करेंसी यहाँ पर ऑलरेडी इंडियन करेंसी में सिलेक्ट है। जब यहाँ पर आपका बैंक का फुल नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट डिटेल जब सही तरीके से आप फिल कर लें तो यहाँ सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को हम यहाँ पर इंटर करेंगे। हम यहाँ OTP को इस तरीके से इंटर कर देंगे और ये देखिए यहाँ पर डन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे दोस्तों मैं डन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ना, तो बेनिफिक्री एकदम से सक्सेसफुली एक्टिवेट करने के लिए हमारे नंबर पे एक कॉल आएगा बैंक की तरफ से। तो चलिए आपको लाइव दिखाते हैं। तो ये देखिए, हम डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग है। अगर ये देखिए कॉल आ चुका है। अब यहाँ पर हम कॉल को रिसीव करेंगे। कस्टमर, यू हैव रिक्वेस्टेड टू एक्टिवेट एन इंटरनेशनल बेनिफिशियरी। Press 1 to approve, press 2 to reject. तो यार देखो, इन्होंने एक्टिवेट करने के लिए एक प्रेस करने को बोला, तो मैं यहाँ पर एक प्रेस कर दूंगा। Thank you for using Tecmo. ये देखो दोस्तों, तो जैसे ही हमने एक्टिवेट करने के लिए हमने एक प्रेस किया तो फाइनली सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा बेनिफिक्री एड हो जाएगा। ये देखिए, जो भी हमने बेनिफिक्री यहाँ पर एड किया ना, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब सिंपली आपको यहां से बैक आ जाना है और फिर से आपको इसी इंटरनेशनल के ऑप्शन पे यहां पर आपको क्लिक करना है। जो भी बेनिफिक्री आप ऐड किए होंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे हमें यहां पर पैसा ट्रांसफ़र करना है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक एडिट, एक सेंड। अगर आपको इस अकाउंट में, इस बेनिफिक्री में कोई कमी नज़र आता है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज सेंड के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है कि कितना आप भेजना चाहते हैं। चलिए मैं 10 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए, पर्पज ऑफ ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम जो है फैमिली मेंटेनेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद सेंड के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से बैंक का डिटेल यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर अच्छे से आप अपना डिटेल चेक कर लें, उसके बाद पे के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे पे के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP आएगा। देखिए OTP आ चुका है। OTP को जैसे हम यहाँ पर एंटर कर देंगे दोस्तों ना, ऑटोमेटिकली हमारा पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप भी बेनिफिशियरी ऐड कर बहुत ही आसानी के साथ टेकमो अकाउंट से आप अपने देश, अपने वतन, अपनी कंट्री पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।